नमस्कार दोस्तों, भाजपा महिला नेत्री की एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में भाजपा नेत्री द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर काफी बवाल मच गया है। बीजेपी नेत्री ने कांग्रेस सरकार को लेकर अजीबोगरीब आपत्तिजनक बयान दे दिया है। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक बार थूकेंगे तो उसमें भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा। अब इस बयान पर काफी बवाल मच गया है। अब भूपेश बघेल ने भी भारतीय जनता पार्टी नेत्री को करारा जवाब दिया है। जवाब देते हुए मुख्य बात यह कही कि आसमान में थूकने पर वो थूक उनके चेहरे पर ही गिरता है। पहले आप महिला नेत्री का यह बयान सुनिए जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अगर थूकेंगे तो पूरी कैबिनेट बह जाएगी। आप संकट लेके जाए, एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। इस संकट के साथ आज से आपको काम करना पड़ेगा और फिर से आपके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी 2023 में जरूर सत्ता में आएगी। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी महिला का बयान। इनका नाम डी पुरंदेश्वरी है। एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ही डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि एक बार आप मिलकर पीछे मुड़कर थूकेंगे तो उस थूक में भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा। जैसा कि आपने सुना, आगे उन्होंने कहा कि संकल्प के साथ आपको काम करना पड़ेगा, आपके परिश्रम से 2023 में भारतीय जनता पार्टी जरूर सत्ता में आएगी। हालांकि इन माननी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पुरंदेश्वरी की मानसिक स्थिति इस स्तर पर उतर आएगी। जब वे हमारे साथ थी तब वो ठीक ठाक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनकी क्या स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा कि इस बयान पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। उन्होंने कहा कि लेकिन भाजपा में जाने के बाद उनकी क्या स्थिति हो गई है, और यदि आसमान में थूकोगे तो वो थूक खुद के चेहरे पर गिरता है। इस बयान पे मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पुरंदेश्वरी जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पे उतर आए, ये उम्मीद नहीं थी। जब हम लोग साथ थे और अर्जुन सिंह जी के साथ वो राज्य मंत्री थी तब तो ठीक ठाक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या स्थिति हो गई है। और यदि आसमान पे थूकोगे तो खुद के चेहरे पे गिरता है। दरअसल आपको बता दें, राज्य के दक्षिण क्षेत्र के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में भाजपा ने मंगलवार से चिंतन शिविर का आयोजन किया था। 3 दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन आज पार्टी के छत्तीसगढ़ मामलों की प्रभारी पुरंदेश्वरी ने बस्तर संभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। पुरंदेश्वरी ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत का एहसास कराते हुए कहा कि हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप संकल्प लेकर जाएं। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे तो उस थूक में भूपेश बघेल की सरकार और उनका पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा। इस संकल्प के साथ आज से आपको काम करना पड़ेगा और फिर से आपके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी 2023 में जरूर सत्ता में आएगी। दरअसल आपको बता दें, डी पुरंदेश्वरी ने वर्ष 2014 में तेलंगाना मुद्दे को लेकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। उस दौरान वह केंद्र की एनडीए सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री थी। छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र में भाजपा ने चिंतन शिविर का आयोजन किया। राज्य में 15 सालों के शासन के बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार के बाद इस आयोजन को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा सूत्रों की माने तो पार्टी ने चिंतन शिविर के माध्यम से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि राजनीति में कई तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह के बयान किसी नेता से उम्मीद नहीं थी। जैसा कि भाजपा नेत्री ने बयान देते हुए कहा कि अगर आप एक बार थूकेंगे तो भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा। अब इसी पर भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि आसमान में थूकोगे तो खुद के चेहरे पर ही गिरता है।